अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ जी एग पुडिंग। जल्दी जल्दी से आप इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। तो मैंने चार चम्मच मेजर करके आपने चम्मच डालने हैं। चार चम्मच मैंने इसमें चीनी के डाल दिए हैं और तीन चम्मच मैंने इसमें पानी के डाल दिए हैं। ये मैं बना रही हूँ एग पुडिंग के लिए, कैरेमल बना रही हूँ। तो बस इसको आपने टच बिल्कुल भी नहीं करना। अगर टच करेंगे तो ये बहुत ही मुश्किल से बनेगी, बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, उसको मैंने वहीं छोड़ दिया। और दूसरी साइड से मैंने ले लिया जी जग, ले लिया जूसर, ले लिया ब्लेंडर, ले लें कुछ भी ले लें। तो मैंने इसमें डाल दिए चार अंडे। और अंडे एक एक करके इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि अक्सर आजकल ख़राब आ रहे हैं, तो मेरा एक दो दफ़ा ख़राब हुए हैं, तो फिर इसलिए मैं एक एक करके चेक करके उसको डाल रही हूँ जी जूसर में। और मैं एक कप मेजर करके ले रही हूँ। इसमें मेजरिंग जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग पुडिंग में। तो मैं इसमें डाल रही हूँ जी एक कप पूरा मेजर करके दूध का, बाकी जो था मैंने साइड पर रख लिया है। ठीक है, इसमें तीन चम्मच वो भी मेजर करके डाले हैं। तीन चम्मच मैंने इसमें चीनी के डाल दिए। आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको बस मैं ब्लेंड कर रही हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही झटपट से बनने वाली है। कोई मेहमान आ रहे हैं जल्दी जल्दी से आप बना सकते हैं। ये है जी हमारा कैरेमल रेडी। और कैरेमल को मैं डाल दूँगी इस डिश में। ये मैं इसमें पायरेक्स की डिश है, मतलब बेकिंग के लिए इस्तेमाल होती है, तो मैं इसमें डाल दूँगी इसकी बेस के अंदर। और अभी मैं आपको सारा बताती हूँ कि ओवन जो है वो आपने उसको किस टेम्परेचर वगैरह पे रखना है। तो मेरा ओवन है जी एनएक्स का। अच्छा, मैं ये ऑन करूँगी, देखें 200 पे इसको रखना है आपने टेम्परेचर को। ऊपर नीचे वाला मैं ऑन कर रही हूँ, सिर्फ नीचे वाला नहीं, ऊपर नीचे वाला ऑन कर रही हूँ। और ये मैं इसको करूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए, मैं इसको प्री हीट करूँगी। और हमने 40 मिनट के लिए लगाना है। क्या है, 200 है इसका टेम्परेचर, ऊपर नीचे कॉमन ऑन करना है, 15 मिनट के लिए प्री हीट करना है। और इसमें देखिए मैंने पानी भर दिया थोड़ा सा, क्योंकि हम इसको स्टीम देंगे, ये स्टीम में पुडिंग पकेगी। इसको मैं प्री हीट कर लूँ, उसको सेट करके मैं इसमें ये कर लूँगी बंद। ओवन को 15 मिनट के लिए प्री हीट करना है और इसको लगाना है 40 मिनट के लिए, मतलब 40 मिनट के लिए हम पुडिंग को बेक करेंगे। उसके बाद ये एक घंटे के लिए फ्रीज़र में जाएगी। ठीक है, आई थिंक ये सारी जो है ना आपको क्लियर हो चुकी होगी। और इसके ऊपर मैं फॉइल लगा रही हूँ। फॉइल के ऊपर मैं थोड़े से इसको प्रिक कर लूँगी ताकि स्टीम जो है ना वो अंदर तक जाए और ये अंदर से पुडिंग जो है वो पक जाए। ढाका चिकन बनाने के लिए ना ये मैंने बोनलेस चिकन ले लिया है। ये तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। एक प्याली इसमें ये चला जाएगा, ये कॉर्नफ्लोर चला जाएगा। आधा चम्मच इसमें चली जाएगी ये काली मिर्च, आधा चम्मच कुटी हुई मिर्च, आधा चम्मच पीसी हुई मिर्च, थोड़ा सा ये गरम मसाला है, थोड़ी सी हल्दी है और नमक इसमें आधा चम्मच है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, एक एग जाएगा और ये तिल है मनाल। अच्छा, इसमें मैं सारा कुछ डाल दूंगी। ये चला गया कॉर्नफ्लोर, काली मिर्च, कुटी हुई मिर्च, पिसी हुई मिर्च, गरम मसाला, हल्दी और नमक। अदरक लहसुन का पेस्ट, तेल जाएंगे एक चम्मच भर के, और एक एग। इसको अच्छे से कर लूंगी मैं मिक्स। To stop this world from spinning like Superman, you were. और जी पुडिंग ओवन में है और ढाका चिकन की मैरिनेशन हो चुकी है। अभी मैं बना रही हूँ चिकन पाइनएप्पल की ग्रेवी के लिए। लहसुन जो है उसको मैं फ्रेश कूट रही हूँ और चावल मैं बॉईल कर रही हूँ चाइनीज़ राइस बनाने के लिए। इंग्रेडिएंट मैं साथ साथ बता दूँगी और कोशिश करूँगी कि डिस्क्रिप्शन में भी इसके इन्ग्रीडियंट्स वगैरह जो हैं वो सारे डाल दूँ ताकि आप देख लें। अब
अब जी जल्दी से बना लेते हैं ग्रेवी जो कि चाइनीज़ राइस के साथ हम खाएंगे। उसके लिए चिकन पाइनएप्पल क्योंकि मैं बना रही हूँ, तो चिकन जो है मैंने पहले से मैरिनेट कर दिया था, मैंने आपको बताया नहीं। इसमें नमक है, कुटी हुई मिर्च है और बस छोटे से क्यूब्स में काट लेना है। थोड़ा सा मैंने लहसुन भी डाल दिया था बस, इसमें सिंपल और कुछ भी नहीं डाला है। वैसे तो आप इसकी कोटिंग करके भी इसको फ्राई कर सकते हैं डीप फ्राई, लेकिन मैं डीप फ्राई नहीं करना चाह रही थी क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास ढाका चिकन है। तो बस मैंने इसको स्टर करके इसका कलर जैसे ही चेंज हुआ तो मैंने इसको बाहर निकाल लिया था। और अब मैंने थोड़ा सा लहसुन डाला है, थोड़ा सा मैंने ऑयल भी और डाला है, और अब मैं इसको थोड़ा सा स्टर करके इसमें डाल दूँगी सब्ज़ियाँ, जिसमें आप, वैसे मैंने इसमें कैरेट नहीं डाली, आप चाहें तो डाल सकते हैं। मैंने इसमें प्याज और शिमला मिर्च जो है इसको ऐसे चौरस छोटा छोटा सा काट के ना वो मैंने इसमें डाल दिया है, उसको स्टर कर रही हूँ। पाइनएप्पल मैंने डाल दिए, ये चंक्स किए हुए मुझे मैं लेकर आई थी एक अपना केन, उसमें इतने ही उसमें कटे हुए थे, इतने साइज़ में कटे हुए थे। मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया, एक छोटा चम्मच मैंने कुटी हुई मिर्च डाल दी, छोटा चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च का डाल दिया है। ठीक है, काली मिर्च बड़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है चाइनीज़ खानों में, ख़ासतौर पे अगर फ्रेश कुटी हुई हो। ठीक है, थोड़ा सा ये स्टर करके मैंने इसमें पानी डाल दिया है, और पानी मैंने तकरीबन एक कप के जितना डाला है क्योंकि मुझे ग्रेवी बनानी है ना। इसके बाद इसमें एक चम्मच, मैं सारा कुछ मेजर करके डाल रही हूँ, एक चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है सिरका, ठीक है जी। और मैंने ये चिली सॉस डाल दिए हैं, तकरीबन तीन चम्मच मैंने इसमें चिली सॉस के डाले हैं, ठीक है। और जी इसमें चला जाएगा थोड़ा सा सिरका, और सिरका मैं थोड़ा डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, आधा चम्मच मैंने डाला है क्योंकि मुझे थोड़ा सा फ्रेश कलर चाहिए, मुझे रेड नहीं चाहिए और मुझे ब्राउन भी नहीं चाहिए। थोड़ी सी मैं इसमें डाल दूँगी शक्कर, आप चाहें तो इसकी जगह चीनी भी डाल दें अगर शक्कर ना हो। इसको थोड़ा सा जी स्टर कर लें, और जी मैंने जैसे ही स्टर हुई मेरी सब्जियां, क्योंकि सब्जियों का कलर फ्रेश रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जब आप चाइनीज़ खाने बना रहे होते हैं, क्योंकि अगर सब्जियों की शक्ल ही ख़त्म हो जाएगी तो एक ही जैसी शक्ल सारी बन जाएगी तो वो अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, मैंने इसमें तकरीबन तीन चम्मच केचप के भी डाल दिए हैं, तो ग्रेवी हमारी डन है। लास्ट में मैं इसमें डाल दूँगी जी कॉर्नफ्लोर, मैंने एक चम्मच लेके उसको पानी में घोल के ना अब वो मैं इसमें डाल रही हूँ। ये हमारी ग्रेवी जो है ना वो रेडी हो चुकी है। चाइनीज़ राइस के, ठीक है, ये दो कप, बड़े कप मैंने लिए हैं राइस के, ठीक है, ये कच्ची बासमती का राइस है और काफ़ी लंबा है। और तीन अंडे हैं, और ये है सफ़ेद मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी मैंने काली मिर्च ली है और नमक लिया है, और थोड़ा सा सोया सॉस जाएगा, चिली सॉस जाएगा, और ये थोड़ा सा सिरका जाएगा। ये फ्रोज़न मिलता है पैकेट, इसमें मटर है, कॉर्न है और कैरेट है, तो ये मैं इसमें डालूँगी, और थोड़ा सा ऑयल जाएगा। ठीक है, तो इसकी कुकिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। दूसरी साइड से जी हमारे जो स्पैगेटीज हैं वो भी बॉईल हो रहे हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा चौमन भी बनाएंगे ताकि आपको फुल जो है ना वो मेन्यू मिल जाए। ओके जी, बिस्मिल्लाह। अभी बनाने लगी हूँ मैं चाइनीज़ राइस, जिसके लिए मैंने तीन अंडे ले लिए हैं, और तीन अंडे मैं पहले कुक कर लूँगी, कुक करके मतलब निकाल लूँगी, तो इसको बस मैं हल्का सा नमक डाल के और उसको अंडों को ना मैं फेंट लूँगी। अभी चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो मैं इसमें डाल रही हूँ जी थोड़ा सा ऑयल, ऑयल डाल के मैं इसमें एग डाल दूँगी, और एग को थोड़ा सा स्टर करके मतलब फ़ौरन ही एग जैसे कि पक जाते हैं, और इनको मैं निकाल लूँगी। अच्छा, मुझे ना चावल जो है वो वाइट वाइट अच्छे लगते हैं, मुझे वो ब्राउन या दूसरे, उनको मतलब हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ट्रिकी होता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं तो फिर आपको आ जाता है तरीका। इसके बाद मैंने इसमें जो फ्रोज़न सब्ज़ियाँ हैं ये डाल दी हैं, ये बड़ी वैसे मज़े की होती हैं, गली हुई होती हैं, और बस इनको डालो और कुक कर लो, ये बहुत
मतलब इजी रहता है, ये नहीं कि आप काटो और फिर बनाओ। अच्छा, मैंने इसमें एक चम्मच जो है ना वो सिरका डाल दिया है और आधा चम्मच मैंने इसमें सोया सॉस का डाला है ताकि कलर जो है ना वो डार्क ना हो जाए। चिली सॉस मैंने डाल दिया जी एक चम्मच भर के, और इसमें चला गया जी थोड़ा सा काली मिर्च, थोड़ा सा सफ़ेद मिर्च मैंने डाला है, और थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाला है। नमक क्योंकि मैंने चावलों में भी डाला है तो नमक का थोड़ा ध्यान कीजिएगा, क्योंकि अक्सर ये होता है कि नमक या तो बिल्कुल कम हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। बस ये कुक है और मैं इसमें डाल दूँगी जी राइस, और साथ में एग भी डाल लूँगी, और इसको अच्छे तरह से स्टर करके बस ये राइस जो है ना वो रेडी है। फिर 1 घंटे के लिए मैं इसको ना फ्रीजर में रख दूंगी। अच्छा, अभी चौमिन भी जल्दी से बना लेते हैं जी, और चौमिन में मैं चिकन बिल्कुल नहीं डाल रही, तो मैं वेजिटेबल चौमिन बना रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी चिकन काफ़ी जगह पे यूज़ हो चुका है। तो मैंने ये सब्ज़ियाँ ले ली, शिमला मिर्च ले ली, गाजर ले ली, बंद गोभी ले ली, इसको हल्का सा मैं स्टर कर रही हूँ। इसमें चला जाएगा जी एक चम्मच सिरका, एक चम्मच मैंने इसमें चिली सॉस और सोया सॉस, ये तो तीनों चीज़ें जो है ना वो चाइनीज़ जो हमारा चाइनीज़ है, पाकिस्तानी चाइनीज़ है, इसमें लाजमी इस्तेमाल होती हैं, वरना जो असल चाइनीज़ खाने हैं तो वो थोड़े से फीके फीके से होते हैं, वो हम खा भी ना सकें, तो हमने अपने हिसाब से जो है ना टेस्ट जो है ना वो क्रिएट इनके कर लिए हुए हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक भी डाल दिया था, काली मिर्च डाल दी थी, और थोड़ी सी मैंने कुटी मिर्च डाली थी। अच्छा, स्पाइसेस जितने भी हैं आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, आप कम डालें या ज़्यादा डालें आपकी मर्ज़ी है। मेरे घर में क्योंकि थोड़ा सा स्पाइसी खाया जाता है तो मैं इसलिए ये इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, इसको हल्का सा स्टर करके ना मैं इसमें मैंने थाउजेंड आइलैंड सॉस भी डाल दिया, मेयोनीज मैंने नहीं डाला, मैंने ये डाल दिया है, तो बस ये इसको स्टर कर लूँगी अच्छी तरह से और ये रेडी है। अच्छा, यहाँ पे एक बात मुझे याद आ गई, कल वाली वीडियो में थोड़ा सा मेरा प्रॉब्लम था, मेरा थोड़ा कॉपीराइट का इशू था, तो बीच में कुछ घंटों के लिए आवाज़ नहीं थी, क्योंकि एडिटिंग में मैं कुछ किया मैंने और वो थोड़ा सा गड़बड़ मतलब हो गया काम सारा। तो आपने जाके देखना है, जिन्होंने नहीं देखा, जिन्होंने आवाज़ के बगैर देखा है, आवाज़ के साथ अब वीडियो मतलब ठीक हो चुकी है, आप जाके देख सकते हैं जिन्होंने अभी तक नहीं देखी। अच्छा, मैं यहाँ पे जी ढाका चिकन जो है वो अब मैं रेडी कर रही हूँ। अच्छा, इसमें आपने कभी भी जब चिकन मैरिनेट करना है तो उसमें ज़्यादा लिक्विड नहीं होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि थोड़ा सा पानी है तो फिर आप मैरिनेशन कर लें, अच्छा सा चिकन को ड्राई करके फिर आपने इसको मैरिनेट करना है, लिक्विड में नहीं लेके जाना, वरना वो क्रिस्पी और वो मज़े का नहीं बनेगा, उसकी कोटिंग ही डिफरेंट हो जाएगी। तो बस मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी यहाँ पे ढाका चिकन को, और ये मेरी लास्ट डिश है, इसके बाद मैं खाना जो है सर्व कर लूँगी। हालांकि मेरा आज इरादा भी नहीं था कुछ, मतलब मैंने सोचा कि था कि चलो हल्का फुल्का बना लूँगी, लेकिन वो एक डिश बनाने के साथ फिर दूसरा जो है ना दूसरी बनती गई, तीसरी बनती गई, इस तरह से पूरा का पूरा मेन्यू ही बन गया है। और ये कोई स्पेशल दावत नहीं है, मैं जस्ट चिकन पाइनएप्पल और राइस बनाना चाह रही थी, लेकिन साथ में और चीज़ें भी बनती गईं। यही होता है कि पता नहीं चलता है और दस्तरखान जो ना आपका भर जाता है, बस अल्लाह ताला सबके दस्तरखान ऐसे हरे भरे रखे, और हिम्मत भी होनी चाहिए पकाने की, तो रोज़ रोज़ इस तरह हिम्मत नहीं होती। आज तो मैंने बना लिया क्योंकि संडे था, तो मनाल को छुट्टी होती है, तो जी बस हमारा खाना जो है ना बस अभी रेडी होने वाला है, और भूख भी काफ़ी लग रही थी, नाश्ता भी नहीं किया था हम लोगों ने।
खाना जो है रेडी हो चुका है और खाना मैंने टेबल पे लगा दिया है। अब बैठ के हम लोग आराम से खा लेंगे। और ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। इंस्टा का मैं दे दूँगी लिंक, उसको फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। और बस ये खाना मैंने लगा दिया है और आज तो घर वालों की ही ट्रीट हो गई है। घर वालों ने कहा कि हमारी भी तो दावत होनी चाहिए ना। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल ज़रूर होनी चाहिए, तो घर वालों की ही आज दावत कर डाली है। और बस ये खाना लगा दिया है, छोटी सी कैंडल रख दी है। अच्छा लगता है घर वालों के लिए भी कभी कभी स्पेशल होना चाहिए। और पुडिंग जो है अपनी ज़रूर ट्राई करनी है, पुडिंग बहुत अच्छी बनी थी। To stop this world from spinning, like Superman, you were the only one to find the strength in all that I was dealing with. This life, like kryptonite, and if you keep me close, every minute in this dark. आपसे चाहूँगी जी यहीं पे इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय। Dealing with this life like kryptonite.